गुड मॉर्निंग जनता, कैसे हो भाई? मेरा बस 15 मिनट में प्लेन है। कुछ भी सोच लो, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी आना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो देन गेम चेंजेस कम्प्लीटली। और अभी कोई भी अगर सोच रहा है कि कांग्रेस जीतेगी या दूसरी कोई पार्टी जीतेगी, भूल जाओ। बीजेपी विल विन विथ मेजोरिटी इन गुजरात। मेरा फ्लाइट है 15 मिनट में, और मैंने सोचा कि 15 मिनट है तो मेरे काफ़ी व्यूअर्स राह देख रहे हैं मेरे वीडियो की, और काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी ढेर सारी लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस आए हैं। तो और कब से राह देख रहे हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि यार एक वीडियो गुजरात इलेक्शन पे नया क्यों नहीं आया अभी तक। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी की विजिट है अभी गुजरात में आज, तो डेफिनेटली वो अभी पूरा चेंज ही हो जाएगा पूरा। अब देखना, ये थर्ड विजिट है थोड़े ही टाइम में, और जब भी आते हैं ना गुजरात में, तब वो पूरा जो विकास का था, तो विकास गांडो थी गयो है, विकास पागल थी गयो है, वो सब पूरा पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे डिसॉल्व हो जाएगा। और ओपोजिशन जो है कांग्रेस गुजरात में, इट्स वेरी वेरी वीक है वहाँ पे, तो कुछ होने वाला नहीं है वहाँ पे उनका। और देखा जाए तो दूसरी पार्टी जो मानते हैं लोग, आम आदमी पार्टी, उनका अभी कुछ लेवल ही नहीं है। सो दे डोंट इवन हैव एनीथिंग टू फाइट, दे डोंट इवन हैव मनी टू बी ऑनेस्ट। सो जस्ट मोमेंट, जो भी लोग वोट करने वाले हैं वो एक चीज़ ध्यान से सुने, क्योंकि कोई भी झांसे में आके कहीं पे ऐसा मत कर देना, गलती से ऐसा वोट मत कर देना जो देश के और आपके शहर के हित में नहीं हो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि कौन सी पार्टी है रूल में, और वो क्या क्या कर सकती है, कितनी कैपेबिलिटी है, सेंटर में कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी के लीडर्स अच्छे हैं, ये सब बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू द राइट चॉइस। गलती से भी कुछ ऐसा मत कर देना जो कोई अगर आपको बोल रहा है धर्म या कास्ट के बेस पे वोट मांग रहा है, तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर। बाय द वे, दैट्स अ बिग ईगल, ईगल नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, यूनिक। एयरपोर्ट में ऐसा चीज़ें कहीं देखी है क्या आपने? दैट्स रियली गुड। जो पाटीदार आंदोलन है या फिर दूसरा अल्पेश ठाकुर का जो है, सब कुछ मैटर नहीं करता। खास तो आपको वही देखना है कि आपका लीडर कैसा है और आपके पार्टी जो है उसने क्या किया आपके लिए। ये जो दूसरे आपको डिवाइड कर रहे हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करके, दूर रहना उससे, मैं तो बोल रहा हूँ दूर रहना, क्योंकि वर्थ नहीं है वो सब चीज़ें। डू यू वांट वाटर? शायद आप न्यूज़ में देखा भी होगा कि अल्पेश ठाकुर जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्लियर साइन है ये। और बीजेपी और हार्दिक पटेल के एक इंटरव्यू में मैंने अभी देखा था कि कैसे भी करके बीजेपी को हराना है, दैट्स द एजेंडा, वही एजेंडा है और कुछ एजेंडा नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है साथ मिलकर।